वेदवंशी के रूप में पहचाने जाने वाले जनजातीय बेदिया की उत्पत्ति की कई गाथाएं हैं। झारखंड राज्य में मूल रूप से निवास करने वाले बेदिया लोग अच्छी संख्या में पश्चिम बंगाल में भी निवास करते हैं। बंगाल में इनकी उपस्थिति को जानने से पहले हम इनके इतिहास के पन्नों को उलटकर देखते हैं। बेदिया जनजाति की उत्पत्ति तथा निवास स्थान के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पर यह मान लिया गया है कि इनका निवास स्थल झारखंड राज्य में हजारीबाग जिला के अंतर्गत बड़का गांव प्रखंड के महुदी पहाड़ पर था। आज भले ही इस स्थान पर इनकी उपस्थिति का कोई चिन्ह नहीं मिलता, पर यहां से 25-30 किलोमीटर की दूरी से प्रारंभ हो जाती है इनकी आबादी। यह माना जाता है कि महुदीगढ़ में इनका सुखी संपन्न राज्य हुआ करता था। महुदी पहाड़ और उसके इर्द गिर्द कई ऐतिहासिक प्रमाण आज भी मिलते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के नीचे बनाई गई गुफाएं और उनमें स्थापित किया गया शिवलिंग और कई मंदिर देखने को मिलते हैं। पहाड़ की तराई में एक भव्य मंदिर की आकृति जीर्ण शीर्ण अवस्था में आज भी खड़ी है। आसपास टूटे फूटे और कई स्थान हैं। इससे ज्ञात होता है कि ये क्षेत्र काफी बड़ा रहा होगा। इन मंदिरों में उपयोग किए गए ईंट पत्थर चूना मिट्टी के लेप से ज्ञात होता है कि ये स्थान कई सौ वर्ष पुराना होगा। आज के वर्तमान समय में इस स्थान को राजा दलेल सिंह का गढ़ माना जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि बेदिया जनजाति का राजा दलेल सिंह से क्या संबंध रहा होगा, और ये बात आज तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। नदी के चारों ओर बांधनुमा बनाया गया स्थान आज भी देखने को मिलता है। इन सभी चीजों को देखने से ज्ञात होता है कि आज से कई सौ वर्ष पहले कोई सभ्यता यहां निवास करती रही होगी। लोक कथाओं और शोध से ज्ञात होता है कि यहां से बेदिया जनजातियों का पलायन किसी संघर्ष के कारण हुआ होगा। महुदी नगर से पलायन कर ये हजारीबाग जिला के ही रामगढ़, गोला, चुट्टूपालू और रांची जिला के ओरमांझी, सिल्ली, बुंडू आदि क्षेत्रों में आकर बस गए। नदी पहाड़ों को आधार बनाकर चलते चलते इनका प्रवेश पश्चिम बंगाल के झालदा, तुलिन, पुरुलिया, झाड़ग्राम आदि स्थानों में हो गया और ये लोग यहां भी फैल गए। पश्चिम बंगाल में रहने वाली बेदिया जनजाति तथा झारखंड राज्य की बेदिया जनजाति में कई प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। झारखंड राज्य की अपेक्षा पश्चिम बंगाल के बेदिया लोग आज भी काफी पिछड़े हुए हैं। पुरुलिया जिले में रहने वाले बेदिया लोगों का मुख्य पेशा सांप पकड़ना तथा घूम घूम कर सांप का खेल दिखाना है। इनके अलावा जंगलों से दुर्लभ जड़ी बूटियां संग्रहित करना और बेचना भी रहा है। सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में ये लोग घुमक्कड़ का जीवन व्यतीत करते थे। यहां आकर इन्होंने सांप पकड़ने, जड़ी बूटी संग्रहित करने के व्यवसाय को अपनाया होगा। ये बात अलग है कि अब ये लोग पूरी तरह स्थायी रूप से निवास करने लगे हैं। अब इन लोगों ने भी कृषि को अपना मुख्य आधार बना लिया है, पर सांप पकड़ने और खेल दिखाने के पेशे को ये आज भी अपनाए हुए हैं। इनकी बस्तियों में आज भी एक से एक दुर्लभ सांप देखे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के अयोध्या पहाड़ पर आज भी कई दुर्लभ सांप मिलते हैं। अजगर से लेकर नाग, कछक नाग आदि भी उपलब्ध हैं। बेदिया लोगों को यह अच्छी तरह ज्ञात होता है कि किन स्थानों पर सांपों का निवास होता है। ये सांप की तलाश में मीलों दूर चलकर जंगल और पहाड़ों में प्रवेश करते हैं। इनका मुख्य आकर्षण दुर्लभ सांपों को पकड़ना होता है। सांप जब भोजन की तलाश में या अन्य किसी कारणवश बाहर घूमते हैं तो ये बेदिया लोग झट से उस स्थान को ताड़ लेते हैं और फिर एक कुशल खिलाड़ी की तरह उस सांप को दबोच लेते हैं। जिन खतरनाक सांपों के नाम से हम भय खा जाते हैं, ये
उन्हीं सांपों को रबर की तरह उठाकर सांपों की डलिया में डाल देते हैं। इनका कहना है कि सांप को मोहित करने वाली जड़ी बूटियों से ही ये सांपों को अपने बस में कर लेते हैं। सांप के काटने पर उसका जहर भी जड़ी बूटियों से ही झाड़ते हैं। भोर होते ही अपने सांपों की पोटरी उठाकर शहर, गांव और कस्बों की तरफ चल देते हैं। जय विश्वहरी, जय विश्वहरी। कहीं भी पहुंचकर भीड़ इकट्ठी की और फिर तमाशा शुरू। सांप का तमाशा हो और भीड़ ना उमड़े, ये तो हो ही नहीं सकता। सांपों का खेल दिखाने तथा संग्रहित जड़ी बूटियों को बेचने की कला देखते ही बनती है। इस खेल से इन्हें अच्छी आमदनी भी हो जाती है। ऐसी बात नहीं कि सांप पकड़कर मात्र उनका खेल तमाशा दिखाते हैं, बल्कि सांप के उचित रखरखाव तथा उसके भोजन पानी का भी पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। सांप का मुख्य भोजन है मेंढक और चूहा। ये पास के नदी तालाब में जाकर अपने द्वारा बनाए गए विशेष प्रकार के हथियार से मेंढक का शिकार करते हैं। लगभग 20-30 फीट लंबाई वाले बांस के आगे एक तेज धार वाला नुकीला हथियार लगाते हैं। जब मेंढक हथियार के निशाने पर आ जाता है तो अचानक झटके से उस नुकीले हथियार को मेंढक में चुभो देते हैं। मेंढक उसमें फंस जाता है। जाल के द्वारा भी मेंढक पकड़ लेते हैं। मेंढक को पकड़ते ही उसके पीछे वाले पैर को तोड़ देते हैं ताकि वो भागने ना पाए। घर आकर सांप के मुंह में इन मेंढकों को डाल देते हैं। इनका मानना है कि सप्ताह में एक या दो बार सांप भोजन करते हैं। अजगर जैसे सांप को तो 15-20 दिन में भोजन कराते हैं। समय समय पर सांपों को पानी भी पिलाते हैं। समय परिवर्तन के साथ साथ अब ये खेती बाड़ी से भी जुड़ गए हैं। अपने खेतों के अलावा अन्य संपन्न व्यक्ति के यहाँ भी मजदूर के रूप में कार्य कर लेते हैं। आज जो बेदिया लोग आया था, बेदिया लोग को भी हम लोग का बाप ठाकुर दादा लोग घर बसाने का, ये लोग तो जाजावर जात था। आज एक महीना यहाँ तो एक महीना वहाँ, ऐसा करके ये लोग जंगल में झाड़ी में रहता था। तो जब यहाँ आया तो हम लोग का बाप ठाकुर दादा देखा ये लोग को घर देने से ये लोग तो एक जगह बैठ जाएगा, और अपना जो व्यवसाय सांप का व्यवसाय, सांप पकड़ेगा, जुड़ी बूटी करेगा, ये लोग अपना करेगा, और हम लोग का जो 3-4 महीना जमीन का काम है ये भी करेगा। इसीलिए ये गांव में बादिया लोग को सेटलमेंट हुआ। ये अपने खेतों में मुख्य रूप से चावल उगाते हैं। ये स्थाई खेती करते हैं। इन क्षेत्रों में बीड़ी का भी प्रचलन खूब है, इसलिए घर घर बीड़ी बनाने का भी कार्य करते ये लोग दिख जाते हैं। बेदिया जनजाति का परिवार अधिकांशतः संयुक्त नहीं है, पर संयुक्त परिवार में माता पिता के अलावा विवाहित पुत्र वधू और उनकी संतान तथा अविवाहित पुत्र पुत्रियां आदि होते हैं। इनमें भी पितृसत्तात्मक परिवार होता है, माँ को भी उचित आदर प्राप्त है। इनका परिवार छोटा होता है। बेदिया समाज में महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जाता है। महिलाएं घर के कार्यों के अलावा बाहर के कार्यों में भी पुरुषों का पूरा सहयोग देती हैं। इनकी भाषा यहाँ मुख्य रूप से बंगला ही है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में कुरमाली भी बोल लेते हैं। बेदिया जनजाति का पहनावा ओढ़ावा भी अब पारंपरिक नहीं रहा है। उपलब्ध वस्त्रों के आधार पर ये कुछ भी पहन लेते हैं।
बेदिया जनजाति की शारीरिक संरचना लगभग सामान्य मानी जाएगी। पुरुष के शरीर का रंग काला या गेहुआ है, ठीक उसी तरह महिलाओं का रंग मिलता है। नाक नक्श के मामले में ये अन्य जनजातियों से बिल्कुल भिन्न है। इनका चेहरा सामान्य आकार का होता है। औरतें साड़ी ब्लाउज ही पहनती हैं। औरतों में गोदना गोदवाने का भी प्रचलन है। बेदिया औरतों के परंपरागत आभूषण जो अब दिखाई नहीं देते। बेदिया जनजाति की एक सुसभ्य संस्कृति रही है, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक रीति रिवाजों और संस्कारों का पालन होता है। बच्चे के जन्म को खुशी का अवसर माना जाता है। बच्चे का जन्म प्राय घर में ही होता है। बच्चे का जन्म होते ही कांसी की थाली को बजाकर गांव वालों को बच्चे के आगमन की सूचना दी जाती है। अगर लड़के का जन्म होता है तो कहा जाता है कि हलवाहा यानी हल चलाने वाला आया है, और अगर लड़की होती है तो कहते हैं कि रोपनी यानी धान रोपने वाली आई है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे की माँ को महुए से बनी शराब दी जाती है, और बच्चे को नहलाने के बाद उसके मुंह में मधु और बकरी का दूध देते हैं। बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी का आयोजन होता है, जिसमें गांव के लोग सम्मिलित होते हैं। विवाह को बेदिया एक आवश्यक संस्कार मानते हैं। विवाह पूरे विधि विधान के साथ होता है। बेदिया जनजाति में विवाह की कई विधियां प्रचलित हैं, लेकिन अधिकांश विवाहों में लड़के वाले बारात लेकर लड़की वालों के घर आते हैं और वहीं विवाह संपन्न होता है। इनमें लड़की वालों का लड़के के घर पर बारात ले जाकर विवाह करने का रिवाज था। इनमें अपनी ही जाति में प्रेम विवाह की भी मान्यता है। यदि लड़का किसी अन्य जाति की लड़की से विवाह कर लेता है तो पंच के द्वारा लड़के के परिवार वालों पर जुर्माना लगाकर अपनी जाति में शामिल कर लिया जाता है। पर यदि लड़की किसी अन्य जाति के लड़के से विवाह कर लेती है तो उसे समाज से पूरी तरह बहिष्कृत कर दिया जाता है, और लड़की के परिवार वालों को भी ऐसा ही करने की हिदायत दी जाती है। विवाह के अवसर पर गीत एवं नृत्य का भी आयोजन होता है। अन्य जनजातियों की तरह बेदिया जनजाति भी प्रकृति की पुजारी है। प्रत्येक बेदिया गांव में एक गांव की देवी होती है, जिसे ये गांवा देवी कहते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इनकी मान्यता है कि ये देवी गांव की रक्षा करती है और गांव को भूतों के प्रकोप से बचाती है। गांवा देवी की पूजा गांव का मुख्य पुजारी करता है, जिसे पाहन कहते हैं। सरना स्थल पर सिंदूर, चावल, धूपबत्ती और शराब चढ़ाई जाती है, साथ ही मुर्गे, भेड़ या बकरे की बलि दी जाती है। ये पूजा कर्मा पर्व धान लगाने और काटने के अलावा गांव में किसी तरह की विपत्ति आने पर भी की जाती है। कभी कभी गांव की देवी नाराज हो जाती है तो उसके क्रोध को शांत करने के लिए भी उसकी पूजा की जाती है, ऐसी इनकी मान्यता है। गांव के देवी देवता की पूजा के अलावा वर्ष में कई धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव भी मनाते हैं, जिनमें सरहुल, फगुआ या होली, मंडा पूजा, रथ यात्रा, सोहराई, बदरखूंटा, पुसालू, जतरा बुड और सुरजाही पूजा प्रमुख हैं। यदि झारखंड राज्य में रह रही बेदिया जनजाति की संस्कृति और परंपराओं को झांक कर देखें तो वो बंगाल के बेदिया लोगों से पूरी तरह भिन्न हैं। इन दोनों में कोई समानता देखने को नहीं मिलती। बेदिया जनजाति के लोग
मुख्यतः पहाड़ के तराई या मैदानी भाग में ही अपना निवास स्थान बनाते हैं। ये लोग सामूहिक रूप से रहना पसंद करते हैं। इनका मोहल्ला या टोला काफी बड़ा होता है। एक मोहल्ला या टोला में 50 से 100 यहाँ तक कि अधिक घर भी होते हैं। इनका परंपरागत मकान मिट्टी से बना होता है। ये भी अब अच्छा और सुंदर मकान बनाने लगे हैं। दरवाजे लकड़ी के होते थे जिनमें सुंदर नक्काशी की जाती थी। मकान ईंट और मिट्टी के लेप से बनाने लगे हैं। छत के ऊपर बांस या लकड़ी की छावनी देकर उस पर खपरेल बिछा देते हैं। संपन्न लोग तो अब पक्के मकान बनाने लगे हैं। बकरी, गाय, बैल, मुर्गी, सुअर आदि को रखने के लिए भी अलग से कमरा बनाते हैं। अब ये लोग भी स्वास्थ्य का ख्याल रखने लगे हैं। इस दृष्टिकोण से घर को साफ सुथरा ही रखते हैं। खाना बनाने के लिए ये अभी तक लकड़ी के चूल्हे का ही प्रयोग करते हैं। बेदिया लोगों का मुख्य भोजन है भात। दाल सब्जी के अभाव में ये माड़ भात या पानी भात खाकर दिन गुजार लेते हैं। ये लोग जिन क्षेत्रों में रहते हैं वो क्षेत्र पठारी है, अतः ऐसी भूमि पर गोड़ा धान के अलावा मडुआ, मकई, सरसों की खेती करते हैं। इसके अलावा टमाटर, गोभी, मटर, बैंगन जैसी सब्जी भी उगा लेते हैं। बेदिया लोग जंगल के प्रति काफी जागरूक हो गए हैं। ये लोग भी जंगल के महत्व को समझने लगे हैं, इसलिए जंगल काटना अब ये लोग अपराध मानते हैं। यदि कोई जंगल के किसी पेड़ को काटता है तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है। बेदिया जनजाति की एक विशेषता है कि ये जंगलों से बहुत प्रेम करते हैं और जंगल इनके जीवन का एक अभिन्न अंग है। जंगलों से ये कंदमूल, फल और जलावन के लिए लकड़ियां प्राप्त करते हैं। इनका मानना है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक इनका संबंध जंगलों से ही होता है, अतः इनकी रक्षा करनी चाहिए। आसपास फलदार वृक्ष होने के कारण उनसे अपना काम चला लेते हैं। मौसम के आधार पर ये फल फूल संग्रहित कर स्वयं अपने उपयोग में लाते हैं। अधिक होने पर पास के हाट बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गांव के पास लगने वाला हाट बाजार इनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यही वो स्थान है जहां जाकर ये लोग रोजमर्रा की चीजें खरीदते और बेचते हैं। हाट बाजार इनके आर्थिक स्रोत का केंद्र बिंदु होता है। यहां इनका व्यावसायिक आदान प्रदान होता है। यहां ये बाहरी व्यवसाय के संपर्क में आते हैं। हाट बाजार को यदि सांस्कृतिक केंद्र बिंदु भी माना जाए तो गलत नहीं होगा। बेदिया लोग व्यवसाय के दृष्टिकोण से वन आधारित कार्य पर ही आश्रित हैं। बेदिया बच्चों का अधिकांश समय खेल कूद में ही गुजर जाता है। खेल कूद में इनका प्रिय खेल है गुल्ली डंडा। इसके अलावा गोली, खो खो तथा कबड्डी भी खेल लेते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सरकार की ओर से पूरा पूरा सहयोग दिया जा रहा है। सरकार ने आवासीय विद्यालय की सुविधा प्रदान की है। यहां रहकर पढ़ने वाले लड़के तथा लड़कियों के लिए सरकार ने मुफ्त भोजन, कपड़ा, किताब तथा शिक्षा की व्यवस्था की है। संपन्न लोग अपने बच्चों को अब बाहर अच्छे विद्यालयों में भी पढ़ने भेज रहे हैं। शिक्षा या अन्य संबंधित मामलों में अब गांव की महिलाएं भी
पीछे नहीं है। कई गांवों में महिलाओं ने मिलकर महिला मंडल का गठन किया है, जिसके तहत गांव की कई समस्याओं का निपटारा मिल बैठकर करती हैं। महिला मंडल के द्वारा इनकी एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। ये महिलाएं मिलकर बचत करती हैं, हर सदस्य से प्रति माह 5 से 10 रुपए इकट्ठा करती हैं। यदि किसी सदस्य को मुसीबत या किसी खुशी में अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है तो वो महिला मंडल के बचत खाते से कुछ महीने के लिए उधार ले लेती है। बहुत कम ब्याज दर पर रुपए मुहैया करा दिए जाते हैं, इससे इनको काफी लाभ पहुंचता है। यही कर्ज जब ये सूदखोरों से लेते थे तो उसके बदले 200% तक ब्याज दर देना पड़ता था। समय पर नहीं चुका पाने के कारण या तो ये अपनी जमीन सूदखोरों के पास गिरवी रख देते थे या बेच देते थे। अब इससे इनको लगभग छुटकारा मिला है। इस कार्य में सरकार की ओर से पूरा सहयोग प्राप्त होता है। हम महिला आदमी मंगर के मंगर मीटिंग बैठते हैं, पैसा जमा करते हैं। हम लोग घर में अथी गांव घर में कोनो काम लगता है तो हम लोग बक्सा से अपने पैसा निकाल के और काम चलाते हैं और 2 रुपया महीना ने सूद रखते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनमें कोई बड़ी बीमारी दिखाई नहीं देती। मृत्यु दर भी इनमें कम है। जिन क्षेत्रों में पौष्टिक आहार की कमी है वहां के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। बेदिया लोग जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं उस क्षेत्र को मलेरिया प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। इसी कारण अक्सर ये मलेरिया के शिकार हो जाते हैं। डायरिया भी इनके बीच सामान्य बीमारी मानी जाती है। बेदिया लोगों में मलेरिया के रोगी काफी संख्या में मिलते हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से सप्ताह में एक बार स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव में आते हैं। आज जहां चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, वहीं ये बेदिया लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति उतने जागरूक नहीं हैं। किसी बीमारी के इलाज के लिए शहर जाकर इलाज कराने के बजाय झाड़ फूंक में ही विश्वास करते हैं। अन्य जनजातियों की अपेक्षा ये कहीं ज्यादा शिक्षित और समझदार हैं। ये लोग अन्य जातियों से भी पूरी तरह घुल मिल लेते हैं। सरकारी योजनाओं का भी पूरा पूरा लाभ उठा रहे हैं। विकास की योजनाओं में बिजली, घर, सड़क, जल स्रोत आदि की पूरी व्यवस्था कई गांवों में की गई है। कई गांवों में इन योजनाओं को लागू करने की व्यवस्था की जा रही है। अपने खेतों में अधिकतर गोबर की खाद का ही प्रयोग करते हैं। बीज, खाद तथा जमीन के लिए सरकारी सहायता भी समय समय पर मिलती रहती है। खेत जोतने के लिए ये हल और बैल का प्रयोग करते हैं। पालतू पशुओं में बकरी, मुर्गी, बतख, सुअर, गाय, भैंस ही पालते हैं। बेदिया जनजाति के लोगों ने अपने विवेक, बुद्धि तथा मेहनत के बल पर विकास की एक लंबी यात्रा तय की है।